सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञानो के। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसा होता है कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए, या फिर आपको कभी किसी को डिजिटली तौर पर इसको डाउनलोड करके कभी कहीं पर दिखाना पड़ जाता है, तो किस तरीके से आप लोग जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस खुद से ही इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस होगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉलो करके दिखाऊंगा। बस आपको भी सिंपली उनको फॉलो करना है और आप भी जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटली तौर पर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ ही हमारे चैनल पे न्यू है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, चलते अपनी वीडियो की तरफ बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा parivahan.gov.in। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, तो आपको सिंपली इसको parivahan.gov.in को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार का एक डैशबोर्ड यानी कि एक पेज लेआउट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये parivahan.gov.in। अब सिंपली आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे चार पोर्टल्स दिखाए जा रहे हैं लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे, तो आपको सिंपली ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस पे जाकर आपको मोर पे जाकर क्लिक कर देना है। नाउ जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक पेज ओपन हो के आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। अब सिंपली आपको नीचे जाना है, यहाँ पे से आपको अपनी स्टेट नेम जो है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो इतनी सारी स्टेट्स दिखाई जा रही है दोस्तों, जो भी आपका स्टेट होगा आपको अपने स्टेट को यहाँ पे से चूज कर लेना है। इतना करते ही दोस्तों, आपके स्टेट की जो परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे डीएल डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे अदर्स का सेक्शन दिखाया जा रहा है, इस पर जाकर क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट नंबर पे ही सर्च रिलेटेड एप्लीकेंट्स में, तो आपको जाकर सिंपली इसको ओपन कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पे करना क्या होगा, तो आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर दे सकते हैं, लर्नर लाइसेंस नंबर दे सकते हैं, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से आप जो है अपने डीएल को फाइन करना चाहते हैं तो वो आप चूज कर लीजिए। तो हम यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर चूज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वो मौजूद होगा। तो आपको फिर उसके बाद का जो आपका डीएल नंबर है आपको यहाँ पे फिल आउट कर देना है उसे। जैसे आप डीएल नंबर फिल आउट कर देंगे तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखाई जा रही है, सिंपली इस डेट ऑफ बर्थ को आपको अपनी फिल कर देना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। देन आपको जो कैप्चा कोड दिया कि इसको एज इट इज यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आप इसको फिल कर देंगे दोस्तों, तो आपको सबमिट का बटन दिखाया जा रहा है, सिंपली सबमिट के बटन पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक एप्लीकेंट डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी, जिसमें आपको एप्लीकेंट नंबर्स दिया हुआ है, एप्लीकेंट डेट एंड आरटीओ कब आपने अप्लाई किया था इसके लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी है। देन अगर आपका एप्लीकेशन नंबर एंड डीएल नंबर सही होगा तो आपकी एप्लीकेंट डिटेल ऐसे खुलकर आ जाएगी। तो आपको ये डिटेल्स को जो है आसानी से चेक कर लेना होगा दोस्तों। अब आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है दोस्तों, अब दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर शो फोटोज एंड डिटेल का। अगर आप अपनी फोटो और सिग्नेचर देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा आपके ड्राइविंग लाइसेंस में अपलोड है, तो आप सिंपली वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। बट दोस्तों, अगर आपको उसको डाउनलोड करना है अपने ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिखाया जा रहा है दोस्तों, तो सिंपली आपको इस ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पर जाकर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड की गई है, तो आपको सिंपली इस लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे आप लिंक को ओपन कर देंगे दोस्तों, तो आपके सामने देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो है खुलकर आ चुका है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, फोटो, सिग्नेचर, तो ये सारी डिटेल जो है आपके सामने यहाँ पर आकर प्रोवाइड हो जाती है आपको। तो सिंपली आपको जो है इनको चेक कर लेना है। इसी प्रकार से आपकी भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल खुलकर आ जाएंगी। अब सिंपली आप इसको डाउनलोड एंड प्रिंट करवाना चाहते हैं एज अ पीडीएफ डिजिटली फॉर्म में, तो आपको करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा इसको स्वाइप डाउन करना होगा। यहाँ पे आपको प्रिंट का बटन दिखाया जा रहा है नीचे, तो सिंपली आपको इस प्रिंट के बटन पे जाकर सेव कर लेना है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि जो आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।